हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टीचर बनने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर लगभग 25,000 हैं और उनका कार्यकाल 28 फरवरी को कम्प्लीट हो चुका था। 28 फरवरी को कार्यकाल उनका कम्प्लीट हो चुका था। हरियाणा में एक बिल पारित किया गया कि हरियाणा में अलग से कि हरियाणा के जो गेस्ट टीचर हैं उनको पक्का कर दिया गया है और 60 वर्ष तक वे अपनी नौकरी करते रहेंगे, रिटायरमेंट उम्र उनकी निश्चित कर दी गई है। इसी तर्ज पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली जो मंत्रिमंडल है उन्होंने भी एक नई पॉलिसी बनाई और मंजूर की, लेकिन दोस्तों ये अभी तक लागू नहीं हुई है। ये ध्यान रखिए, लागू नहीं हुई है। अगर दोस्तों ये जो लागू नहीं होती है तो दोस्तों नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि टीचरों की बहुत ही कमी है। एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम कॉपीज चेक करनी है और आगे नया साल यानी अप्रैल से सीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें दिक्कत आएगी सरकार को। इसके कारण ये लेटेस्ट और फास्ट भर्ती करनी पड़ेगी सरकार को, दिल्ली सरकार को। तो दोस्तों ये देखिएगा, इन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दी है। ये देखिएगा, दिल्ली के अतिथि शिक्षकों के लिए दिल्ली सरकार सौगात लेकर आई है और बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अतिथि शिक्षकों की एक नई पॉलिसी मंजूर की है। अब नियमित शिक्षकों की तरह अब अतिथि शिक्षक भी 60 साल की उम्र तक पढ़ा सकें। इससे पहले उन्हें स्कूलों में नहीं हटाया जा सकता है, यानी 60 साल तक वे नहीं हटेंगे स्कूल से। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए वे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नई पॉलिसी पास कर दिया है। अब वह बुधवार को ही उपराज्यपाल अनिल बेजल से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने ही हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी की तरह लाने के लिए बोल रहे थे और पॉलिसी ला भी दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको कॉपीज ऐसी दिखाता हूँ, ऐसी कॉपीज दिखाता हूँ जिससे आपको पता भी लग जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, 64,000 शिक्षकों के पद है सरकारी स्कूल में, 58,000 शिक्षक काम कर रहे हैं, इनमें अतिथि व नियमित दोनों है, 22,000 कुल अतिथि शिक्षकों की संख्या है। तो दोस्तों अगर 58 में से 22 घटा दे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस है, 36,000 ही बचते हैं। तो दोस्तों यानी आधे और ज़रूरत होती है। ये देखिए दोस्तों, अनिल बेजल के पास ये फाइल भेजी है, ये रिपोर्ट भेजी है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने जो पॉलिसी लाई है अतिथि अध्यापकों को गेस्ट टीचर को पक्का करने के लिए, आपसे अनुरोध है कि आप इसको लागू करने की कृपा करें। दोस्तों अनिल बेजल जी जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनके हाथ में फैसला है। अगर वे चाहेंगे तो इस पॉलिसी पर साइन करेंगे, लागू कर देंगे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वे लागू नहीं कर सकते। दोस्तों ये तीन एजेंडे, सॉरी चार एजेंडे सरकार ने शामिल किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर के जो है 60 साल तक की उम्र करना, ये सब सेकंड नंबर पे है, और उन्हें कंपलसरी स्कूल में रखना, ये भी इन्होंने बताया है। तो दोस्तों और मंथली उनका पे भी बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों का। तो दोस्तों ये फाइल पहुंची है अब अनिल बेजल के पास। अनिल बेजल जी जो कि उपराज्यपाल है दिल्ली के, उनके हाथ में फैसला चल गया है और दोस्तों आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि अनिल बेजल जी इस पर क्या रुख अपनाते हैं और सरकार क्या रुख अपनाती है। और दोस्तों जैसे कि पता नहीं किस कारण से बेजल जी और आम जो दिल्ली सरकार है उनके बीच जो बीच का जो रिश्ता ही समझिएगा, और प्रकृति नेचर उनका अलग अलग है, दोनों में विरोधाभास चल रहा है इस वक्त। तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों अगर गेस्ट टीचर पक्के नहीं होते हैं तो नई वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस बैठते हैं। अगर पक्के हो जाते हैं तो दोस्तों वैकेंसी तो निकलेगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आपके कमेंट्स हमारे लिए मायने रखते हैं। इस मैटर के बारे में आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा कि ये गेस्ट टीचर को पक्का करना चाहिए या नई वैकेंसी निकालनी चाहिए, जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।